हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी। आई एम योर एजुकेटर विभा परवार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास सेवेंथ। आपकी अगर शायद 7.2 चल रही थी, इसमें आपको क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेवन। आप लोग बुक में रीड करिए क्या दिया गया है। इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। आपको एक स्क्वायर शीट में दो ट्राइंगल इक्वल एरिया के ड्रॉ करने हैं, किस टाइप से, सच दैट फर्स्ट पार्ट है द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कैसे हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ऐसे ड्रॉ करिएगा आप लोग कि देखने में बिल्कुल एक जैसे लगें, सेम। तो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि उन्होंने कहा था ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो एस 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 रूल अप्लाइड होगा, क्योंकि उन्होंने दिया है कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करने हैं। तो इसका मतलब इसमें साइड रूल लग जाएगा, मीन्स इसकी तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होगी। तो ये ड्रॉ हो गया। और ये भी कहा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट दियर पेरीमीटर्स। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप इनके पेरीमीटर्स के अबाउट में क्या कहेंगे, इनका पेरीमीटर कैसा होगा। अब आप बताइए, इसकी तीनों साइड इसके तीनों साइड के इक्वल हैं, तो उनका पेरीमीटर भी कैसा हो जाएगा, सेम। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्राइंगल का पेरीमीटर सम ऑफ थ्री साइड्स। तो फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर सेकेंड ट्राइंगल के पेरीमीटर के कैसे हो जाएगा, सेम। तो बाई एस 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 रूल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट, देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर सेम। तो दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर्स कैसे होंगे, सेम, बिकॉज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ की इक्वल होंगी। सेकेंड पार्ट है द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो आप दो ट्राइंगल ऐसे बनाइएगा जो कॉन्ग्रुएंट ना लगे देखने में। तो क्या दोनों पेरीमीटर इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी की जो चार कंडीशन होती हैं एक भी अप्लाइड नहीं होंगी। तो एस 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 कंडीशन भी अप्लाइड नहीं होंगी, जब एक भी चार कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो चारों कंडीशन अप्लाइड नहीं होनी है। इसका मतलब एस 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 भी अप्लाइड नहीं होगी, मीन्स साइड अप्लाइड ना होने का मतलब ये है कि इसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है। और जब साइड्स दोनों ट्राइंगल की आपस में इक्वल नहीं है तो उनके पेरीमीटर भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इफ द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है देन दियर पेरीमीटर्स आर नॉट सेम, तो उनके पेरीमीटर भी सेम नहीं है, बिकॉज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आर नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनकी साइड्स इक्वल नहीं है, तो उनके पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स होता है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, उसमें कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के फाइव पेयर्स होने चाहिए, मतलब पांच चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट फिर भी ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर भी दो ट्राइंगल इस टाइप से आपको ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ट्राइंगल बनाया ए बी सी, एंगल 90, बी 30, एंड सी 60 डिग्री। सेकेंड ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, उसमें एंगल आर 90, पी 30 एंड क्यू 60। तीन एंगल किसके इक्वल होंगे, एंगल यहाँ पर होगा आर, ए इक्वल टू आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू पी इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। तीन पार्ट ये इक्वल है, दो साइड्स इक्वल नहीं है। साइड ए भी किसके इक्वल है, साइड पी क्यू के, पी क्यू, एंड साइड ए सी इक्वल टू साइड पी आर। देखिए फाइव पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट्स हो गए दोनों ट्राइंगल में, तीन ट्राइंगल्स इसके तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, एंड दो साइड्स इस ट्राइंगल की टू साइड्स के इक्वल हैं। फाइव पार्ट्स हो गए बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वाई, बिकॉज इसमें कोई भी क्राइटेरिया आपका यूज नहीं हो रहा है। कॉन्ग्रुएंसी के चार क्राइटेरिया होते हैं, उसमें एक भी क्राइटेरिया इसमें यूज नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया चेक करिए, एस एस एस, साइड, क्या इस ट्रैंगल की तीनों साइड इस ट्रैंगल की तीनों साइड की इक्वल दी गई है, नहीं, केवल दो साइड से इक्वल है।
सेकेंड एस ए एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल। देखिए ये दोनों साइड इन दोनों साइड के इक्वल है बट इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो अलग अलग है। एस ए एस भी नहीं लगना है, साइड एंगल साइड नहीं लगना है। ए एस ए एंगल साइड एंगल दो एंगल और उनके बीच की साइड, चेक करिए 30-90 और उनके बीच की साइड क्या है, यहाँ पे इक्वल है 30-90 उसके बीच की साइड के इक्वल नहीं। डबल टिक वाला यहाँ पर देखिए और डबल साइन वाला यहाँ पे देखिए इक्वल, ये इसके इक्वल है ना कि ये इसके इक्वल है। यहाँ पर भी चेक कर दीजिए 90-60 के बीच वाली साइड, 90-60 के बीच वाली साइड के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 90-60 के बीच वाली साइड है, यहाँ पर 90-30 के बीच वाली साइड के इक्वल है। ओके तो फाइव पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें एक ना ही आर्चर्स लग रहा है। राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है और राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है, ये भी इक्वल नहीं है तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया यूज नहीं हो रहा है। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज एनी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एनी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आर नॉट सेटिस्फाइड, एक भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, आर नॉट सेटिस्फाइड सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ क्वेश्चन नाइन इज, क्वेश्चन नाइन ये है कि इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट होने हैं नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पोंडिंग पार्ट्स। इन्होंने देखो दो पार्ट्स दिए हैं जो इस ट्रायंगल के इसमें इक्वल हैं, एक तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, दो पार्ट्स तो इक्वल है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीसरा पार्ट कौन सा चाहिए, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज एंड आप इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन पार्ट्स इक्वल होने चाहिए तो इसमें दो एंगल इसके इक्वल दिए गए हैं, ए एस ए होता है, ए एस ए में ओनली दो एंगल्स आते हैं ए एस ए, तो हमें क्या चाहिए ए ए ए तो है और उसके इंक्लूडेड साइड इक्वल हो जाए इस इनमें दोनों ट्रायंगल के इंक्लूडेड साइड के। तो इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट देन वन एडिशनल पार्ट कौन सा होगा, वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल टू करस्पोंडिंग पार्ट, दो एंगल्स इक्वल है उनके बीच की साइड और चाहिए बी सी साइड, बी सी इक्वल टू साइड आर क्यू, ये दोनों साइड है और ये दोनों दिया गया है एंगल बी किसके इक्वल है एंगल क्यू के। नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन, दिया गया है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन, ये भी डायग्राम में दिया गया है एंड थर्ड इनको इक्वल करने के लिए थर्ड पार्ट कौन सा चाहिए आर क्यू, कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है ए एस ए बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया गया है एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, कैसे होंगे ये कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए इसमें आपको डायग्राम ये दिए गए हैं, अब आप देखिए इसमें कोई भी कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया यूज हो रहा है एस एस एस, क्या इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, नहीं है केवल एक साइड इक्वल है। दूसरा ए एस ए एंगल साइड एंगल,
दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल नहीं दी गई है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है दो एंगल और उसके बीच की साइड के, ए ऐसे भी नहीं लग रहा है, एस ए एस दो साइड, क्योंकि हमको एक ही साइड इक्वल दी गई थी, दो साइड का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। अब चौथा बचता है आपको आर एच एस, राइट एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, हाइपोटेनस। ये आपका बुक में मिसप्रिंट है, आप लोग क्या करिए इस एंगल को हटाकर, जो ये एंगल इक्वल दिया गया इसको हटाकर हाइपोटेनस इक्वल कर लीजिए, ये आप इस बुक में क्वेश्चन में इतना इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ए सी इक्वल टू क्या करना है आपको, डी एफ इक्वल करना है। तो अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, राइट एंगल, एंगल वी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, दिया गया है जो भी है वो हमको दिया गया है क्वेश्चंस में, बस एक मिसप्रिंट थी जो आपको करेक्ट करनी है। राइट एंगल हाइपोटेनस ए सी इक्वल टू डी एफ, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये दिया नहीं गया है, अब क्वेश्चन रॉन्ग था यहाँ पर वो करेक्ट हो गया, अब ये क्वेश्चन है ए सी इक्वल टू डी एफ, हाइपोटेनस इक्वल हो गया गिवन आर एच एस, थर्ड होती है साइड, साइड बी सी इक्वल है डी ई के, साइड बी सी इक्वल डी ई, ये भी हमको साइड दी गई है गिवन, सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या रूल कुछ भी लिख सकते हैं आप, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, आपसे ये कहा गया था कि एक्सप्लेन करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, कैसे होंगे, ये आपका एक्सप्लेन हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड्स इक्वल होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको चैप्टर 6 चैप्टर 7 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, या चैप्टर 1-7 कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके आपका वो कन्फ्यूजन जो भी होगा उसको दूर कर दिया जाएगा।